नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका रमनदीप सिंह और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड पर है जो आजकल लिस्ट में है और स्टूडेंट से आम पूछा जा रहा है। और क्यू कार्ड है टॉक अबाउट योर फेवरेट मैगजीन। यस, मैगजीन, नेम ऑफ द मैगजीन, हाउ ऑफन यू रीड इट, व्हाई यू लाइक इट सो मच। मुझे लगता है कि ये क्यू कार्ड थोड़ा सा जेंडर स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं अगर अपने हिसाब से इस क्यू कार्ड को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं डिस्कशन दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही करूँगा और जो आंसर हम डेवलप करेंगे, लेडीज़ फर्स्ट, चलो ठीक है, लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बॉयज़ के लिए भी मैं डिस्कशन डेफिनेटली करूँगा और उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम फिर से लेडीज़ फर्स्ट, नहीं यहाँ पे तो बॉयज़ फर्स्ट यार, डिस्कशन उनकी कर देते हैं और आंसर हम गर्ल्स वाला डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैं कहूँगा मेरा जो फेवरेट मैगज़ीन है, देखो बॉयज़ का बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, गाड़ियाँ वगैरह, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की एक डिफरेंट मैगज़ीन्स भी आती हैं मार्केट में, आप किसी न किसी मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ते हो। लेकिन मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इंडिया टुडे। अब क्या क्या रीज़न है मेरे पास, सबसे पहली बात कि ये जो मैगज़ीन है इसमें न्यूज़ होते हैं, ये एक वीकली मैगज़ीन है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा बिज़ी रूटीन रहता है, मुझे थ्रू आउट द वीक न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो एट द एंड ऑफ द वीक ऑन संडे व्हेन यू आर फ्री, यू रीड इट एंड यू गेट द ग्लिम्प्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वीक। बढ़िया। नंबर टू, आप कहोगे कि इसमें एक स्पेशल सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़ का, जिसकी काफ़ी डिटेल होती है, बिकॉज आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो और इसमें आपको जो रीसेंट मैच समरीज होते हैं वो भी पता चलते हैं और अपकमिंग मैचेस, जो आने वाले मैचेस हैं उनके बारे में भी डिटेल पता लगती है। नंबर थ्री, आप कह दो कि इसमें एक टेक्नोलॉजी पर भी सेक्शन है जिसमें आने वाले जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता चलता है, उनकी फीचर्स थोड़ी सी डिटेल में बताई होती हैं, जिसके वजह से भी मुझे इस आर्टिकल या इस सेक्शन को पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों, आप ये भी कहो कि ये जो मैगज़ीन है इंग्लिश लैंग्वेज में है, सो एवरी टाइम यू रीड इट यू कम अक्रॉस न्यू वोकैबुलरी, आपको नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ या 30, जो मर्जी बोल दो, कि बहुत कम होने की वजह से आप इसको ईजिली अफोर्ड कर पाते हो और आपकी इसके साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। सो बॉयज़, अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो 2 मिनट अगर बोलने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से आपका क्यू कार्ड प्रिपेयर होगा। अभी बात करते हैं हम गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए कई सारे मैगज़ीन्स आते हैं और उनमें से कुछ कॉमन मैगज़ीन के नाम्स में अग्रा, शोभा, सबको पता होगा। लेकिन वंस अगेन मैं एक चीज़ कॉमन रखना चाहता हूँ कि ये इंग्लिश में है तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है विमेन एरा। यस, विमेन एरा, आप में से कई लड़कियाँ पढ़ती होंगी। अब विमेन एरा क्यों, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी सारी चीज़ें बोल सकती हैं कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन में इंटरेस्ट है, तो फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लेटेस्ट ड्रेसेस वगैरह का पता चलता है। कुकिंग में इंटरेस्ट है तो इसमें कुछ डिशेस वगैरह पता चलती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स की, तो कई बार शेयर करने में दिक्कत आती है किसी और से, तो इनसे कई सारे आपकी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। वंस अगेन महंगी नहीं है और वंस अगेन लैंग्वेज इंप्रूव होती है जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ते हो। इज़ अ क्लियर। सो अभी हम आपके साथ सैम्पल तैयार करने वाले हैं, तो लेट्स गेट रेडी। और अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट का आंसर कैसे तैयार करते हैं। सो वेल, आई डेफिनेटली रीड मैगजीन्स बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग मैगजीन्स एंड आई हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ विमेन एरा। Actually, it is a monthly magazine and I have been reading it from last 3 years and I read it for so many different reasons. The first and the foremost reason is that this magazine contains a lot of interesting information. For example, I have a lot of interest in fashion and clothing. So, I get to know about the latest fashion trends and because I see the pictures of the models wearing different type of dresses and they actually become part of fashion in society. So this
magazine helps me to follow the fashion. At the same time, I have a lot of interest in cooking. My mother always recommend me to read this magazine because there are always lots of recipes, especially desserts and different type of snacks mentioned in this magazine. So I always try to read this magazine and prepare something special for my family, particularly on weekends. I must say that this magazine also helped me personally, because being a girl, sometimes I have some personal problems that I cannot share with my family, or sometimes not even with my friends, but I get answer to all my queries with the help of this magazine. I pay only 50 rupees for the monthly subscription of this magazine, so it is really affordable for me. Last but not least, this magazine is in English language, so it helps me to improve my English, because whenever I read it, I come across new words and I often jot down new vocabulary that helps me to improve my skills in English language. Overall, it is a wonderful magazine, and I also recommend to other girls as well to read it regularly. That's it. So I hope ke aapko ye follow karne mein kafi easy laga hoga. To main wait kar raha hu aapke comments ki. To agar aapko acha lage to mujhe zarur bataiye, aur apne aur bhi friends ko persuade kijiye ki wo bhi mera channel subscribe kare. Tab tak ke liye dhanyawad. Main milta hu aapko agle video mein. Bye-bye. See ya.